उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में फिल्म पद्मावत के विरोध में सोशल मीडिया पर ब्लॉक अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी के मोनू ठाकुर का विवादित बयान लोगों की सुर्खियां बटोर रहा है। पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद की बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के बुढ़ौदा गांव का है, जहां सैकड़ों हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने फिल्म पद्मावत को लेकर एक बड़ी मीटिंग की। इसमें हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने डायरेक्टर संजय लीला बंसाली के साथ दीपिका पादुकोण के मुर्दाबाद के नारे लगाने के साथ लाठी डंडों से पुतले की पिटाई और जूते चप्पलों से पुतले को लात मारते हुए पुतला फूंक कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। ब्लॉक अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी के मोनू ठाकुर का कहना है कि जिस थिएटर में मां पद्मावत की फिल्म चलेगी उसी थिएटर में आग लगा दी जाएगी और किसी कीमत पर भी 25 तारीख को थिएटर में नहीं चलने दी जाएगी। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से संवाददाता दीपक वत्स की रिपोर्ट। हमारे युवा वर्ग ने भंसाली का पुतला फूका और पादुकोण का, हम ये मैसेज देना चाहते हैं भंसाली को और पद्मावती को, जिस थिएटर में माँ पद्मावती की फिल्म चलेगी उस हर वो थिएटर में आग लगा दी जाएगी। 25 तारीख को हम अपने उत्तर प्रदेश के अंदर जिला मुजफ्फरनगर के अंदर किसी भी हॉल में वो फिल्म नहीं चलने देंगे। तो इसके लिए बहुत बुरे परिणाम भुगतने होंगे भंसाली को, थिएटर में आग लगा दी, हर थिएटर में आग लगा दी जाएगी और मेरठ करनाल हाईवे बंद कर दिया जाएगा। भारत माता की।